पब्लिक टीवी आपकी आवाज। श्री गौ माता सेवा ट्रस्ट भारत के तत्वावधान में श्री शिव महापुराण कथा महोत्सव का आयोजन 23 जुलाई से 31 जुलाई तक साई सेलिब्रेशन लाइन पार में किया जा रहा है। वृंदावन से पधारे पंडित प्रमोद कृष्णदास जी महाराज के द्वारा कथा का बखान किया जा रहा है। कथा सुनाते हुए प्रमोद कृष्णदास जी महाराज के द्वारा कहा गया कि इस कथा को सुनने मात्र से ही जीवन के हर दुख तकलीफ दूर हो जाती है, प्रभु की परिवार पर कृपा बनी रहती है और सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। साथ ही कहा कि गणेश जी और शिव पार्वती का आशीर्वाद सभी पर बना रहता है। सोमवार को शिव पार्वती का विवाह का मंचन किया गया। इस दौरान सुंदर भजनों का गायन हुआ, जिन्हें सुन सभी श्रोतागण भक्ति रस में तल्लीन होते हुए नजर आए। इस अवसर पर सचिन सक्सेना, कृष्णा प्रजापति, प्रेम प्रकाश, रघुनाथ प्रजापति, मोहन चांदवानी, पप्पू प्रजापति, प्रदीप वर्मा, देवी सिंह पवार, बॉबी सैनी, राहुल सैनी, प्रशांत शर्मा, बलबीर सैनी, सुधीर रस्तोगी, निशा सक्सेना, स्नेहलता, अनीता शर्मा, बालिश सैनी के साथ और भी भक्तगण उपस्थित रहे। भोले बाबा प्रकट हो गए और ऐसे नहीं, रुद्र रूप में प्रकट हुए, काल भैरव को प्रकट कर दिया, आदेश दे दिया कि ब्रह्मा के पांचवे सिर को अलग कर दो। पहले ब्रह्मा को पांच सिर दिए थे, चार नहीं थे, लेकिन ब्रह्मा ने झूठ बोला, गलत प्रकार से किसी की संपत्ति हासिल करनी चाहिए, तो आज पांचवा सिर इसका कट गया है। भैरव को कहा कि इसके बाकी सिर घर से अलग कर दो। हाँ, अब ब्रह्मा जी थोड़े थोड़े फिर जाकर के भोले बाबा के चरणों में गिर पड़े, कहते हैं मेरे पास मत आओ, जाओ विष्णु के पास, विष्णु के चरणों में गिर। भगवान विष्णु ने भैरव की स्तुति की और प्रार्थना की कि प्रभु तुमसे गलती हुई है, कोई बात नहीं, इन्हें जाने दीजिए। विष्णु की सरलता और विष्णु के भक्ति को देखकर आज भोले बाबा प्रसन्न हुए हैं और ब्रह्मा जी के एक सिर को काट के बाकी सिरों को छोड़ दिया है। प्रेम से बोलो पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।